गुरुवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जमुई सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ में डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी जगुनाथ रेड्डी भी पुलिस बल के साथ तैनात थे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने ओपीडी कक्ष का निरीक्षण करते हुए ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों से मौजूदा हालात की जानकारी लेते हुए आँख विभाग का निरीक्षण किया। साथ ही एक्सरे कक्ष होते हुए दवा काउंटर में रखी दवाइयों की भी बारीकी से जाँच की। वहीं पत्रकारों को उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान बहुत सारी समस्या सामने आई है, जिसका बहुत जल्द निदान किए जाने के साथ साथ अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद जमुई परिसदन में पहुंचकर सीएस ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी किया। इससे पूर्व बरहट प्रखंड के गुगुलडी गेनाडी गांव पहुंचकर नल जल योजना और सुखाड़ की भी जानकारी ली। इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अलावा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल, आयुक्त पंकज कुमार पाल और कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार के द्वारा 4 अलग अलग टीम बनाकर जिले में स्वास्थ्य विभाग, नल जल और सुखाड़ का निरीक्षण किया गया। सन्मार्ग के लिए जमुई से अर्जुन अर्णव की रिपोर्ट। तो दवा की उपलब्धता हम लोग देखने की, तो दवा तो लगभग संतोष पर है यहाँ पर, और कुछ व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है जो हमने डायरेक्शन दिया है करने के लिए। सर काफ़ी यहाँ शिकायतें आती हैं सर, दलाल के माध्यम से यहाँ के मरीजों को सर बाहर लिया जाता है और इस तरह की धांधली की शिकायतें आ रही है सर, तो इस पर क्या अमल किया जाएगा प्रशासन? इसकी जानकारी भी नहीं थी, अभी कराते हैं सर। यहाँ की कमी सर, किसी कमी है? हाँ वो भैया बात हुई है, उसको देखते हैं। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।